रसूल अल्लाह सल्लम के ज़माने में लिबरल और सेकुलर लोगों ने में मच्छर के ज़िक्र पर एतराज़ किया कि यह कैसी आसमानी किताब है जिसमें इतनी मामूली चीज़ का जिक्र किया गया है इस पर कुरान की ये आयत नाजल हुई जिसका तर्जुमा है अल्लाह मच्छर और जो कुछ उसके ऊपर है उसकी मिसाल देकर कर नहीं अब साइंस ने, ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इनकशाफ किया यह छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है ये तो बहुत तफसी बातें हैं मगर मैं चंद बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद किसी को फायदा हो मच्छर की सौ आंखें हैं जो सब के सब उसके सर में मौजूद हैं मच्छर के 48 दांत हैं मच्छर के तीन दिल हैं और तीनों मुख्तलफ किस्म के हैं मच्छर के सूंड में छह छियां हैं हर छुरी का अपना अपना काम है मच्छर के दोनों तरफ तीन तीन पर हैं मच्छर के अंदर हैरारत का पूरा निजाम है जो कि लेस की तरह है उसी के जरिए यह इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में पहचानता है और ये उसको बनफी रंग का मालूम होता है मच्छर की सुई में नशा करने का निजाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी गई जगह खून चूसने से सूच जाती है मच्छर के अंदर खून का तजिया करने का निजाम है इसलिए हर खून वो नहीं चूसता मच्छर के अंदर चूसे हुए खून को जो गाढ़ा होता है माया यानी पतला करने का निजाम भी मौजूद है तभी खून उसके इंतई बारीक सूंड से गुजरता है मच्छर के बारे में सबसे बड़ी और जदीद तरीन तहकीक यह है कि मच्छर के, के पीठ पर एक और छोटा सा कीड़ा होता है जो खुरदबीन से देखा जा सकता है और अल्लाह सुबहान तला ने फरमाया है कि अल्लाह मच्छर की और उसके ऊपर छोटी चीज़ की मिसाल से भी नहीं शर्मा था अल्लाह क्यों शर्माए वो तो हर चीज़ पर खालिक है शर्माना उन लोगों को चाहिए जो अल्लाह की नाफरमानी और ना शुक्री करते हैं और अल्लाह के दिन को रोकने की कोशिश करते हैं